गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज डायरेक्टर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के हैसियत से और डायरेक्टर तेलंगाना स्टडी सर्कल के हैसियत से मैंने आज काउंसलिंग स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, 100 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए, उसके काउंसलिंग का आज हमने शुरुआत किया। ये काउंसलिंग जो है 100 बच्चों का रूबरू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ किया गया है, जो 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट तेलंगाना गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किए हैं उनके तहत बच्चों का आज काउंसलिंग हुआ। ये बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट से सवालात किए कि उनका प्लान ऑफ स्टडी क्या है, कितने दिनों का ये कोचिंग होगा, किस किस सब्जेक्ट में महारत हासिल है। तो ये काउंसलिंग के बाद में 2 दिन का वक्त दिया गया है बच्चों को, आज से शुरू हो गया, आज सैटरडे और संडे तक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सेलेक्ट करेंगे जिसमें वो दाखिला लेना चाहते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद वो हमें इत्तला देंगे मंडे को, और फिर मंडे से ही हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को हिदायत देंगे को शुरुआत कर दे क्लासेस को। ये 9 महीने की कोचिंग होगी और अगले साल जून में जो प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होने जा रही है जून के फर्स्ट वीक में, उसके लिए तैयारी की जा रही है 100 बच्चों को। तो यही मैं मतलब कि सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो उनके परिवार के लोग हैं उनको मोटिवेट करें, उनको ज़्यादा मतलब कि पढ़ने का मौका फराहम करे, और घर में उनको ये बताए कि ये गवर्नमेंट की तरफ से सुनहरा मौका है और ये तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा स्कीम है जिसके तहत माइनॉरिटीज़ बच्चे जो हैं हायर मतलब कि जॉब्स के लिए एस्पायर कर सकते हैं। और ये बहुत ही रिगरस कोचिंग प्रोग्राम है और सिलेक्शंस भी जो होते हैं एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शंस किया गया है 100 बच्चों का। लगभग 800 बच्चे एग्ज़ाम लिखे थे, उसमें 100 को लिए। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बच्चों से कि काफ़ी मतलब कि अच्छे करेंगे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में, और ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग भी होगी हमारे तरफ से। तो मैं सबको ये इत्तला देना चाहता हूँ कि कोचिंग जो है हम लोग 1 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। शुक्रिया।